रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, साथ साथ क्रीमी लेयर का जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है और क्लासिफिकेशन का भी मामला अब आ चुका है, तो इन सभी मामलों के ऊपर में किस ढंग से हमें आगे आना चाहिए, किस ढंग से हमें टैकल करना चाहिए, हर मामले में एक सीनियर एडवोकेट करके, एक सीनियर काउंसिल करके इंदिरा जयसिंह मैडम का ही आरक्षण के फेवर में एक बड़ा रोल रहा है। तो मैं मैडम से गुजारिश करूंगा कि इस विषय के ऊपर में वे हमें विस्तृत जानकारी दे, मार्गदर्शन करें। एडवोकेट इंदिरा जयसिंह मैडम, मेरे तरफ से सबको जय भीम और शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके सामने दो चार शब्द रखने के लिए आरक्षण के बारे में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सबके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि हम आरक्षण मांगते क्यों हैं, क्योंकि ये सवाल हम कभी उठाते नहीं हैं। हम सोचते हैं संविधान में लिखा गया है, चलो ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया। 1950 में जो कहना था, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन ये हमारा सोच गलत है। हम जब भी आरक्षण के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि आरक्षण क्यों, आरक्षण किसके लिए, आरक्षण का मतलब क्या है। अब इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी जो मैंने पवित्र के केस में भी दिया था कि आरक्षण समता के लिए, जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय संविधान लिखने वालों को यह पता था कि हमारे सोसाइटी में सब लोग इक्वल नहीं है। हमारी सोसाइटी सदियों से एक अनइक्वल सोसाइटी तैयार की गई थी। ये जो इनइक्वालिटी थी, ये एक कास्ट सिस्टम पे बनाई गई थी। जो ब्राह्मणिज्म है, जो जिसके बेसिस पे कास्ट बनाए गए हैं, जो अब तक चलता आया है, अब तक ये सवाल कोर्ट में मैं सुनती हूँ, अरे अरे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट को अबॉलिश तो किया नहीं, कास्ट तो अभी भी है, ये मैं अब तक सुनती आई हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होता है। लेकिन इनइक्वालिटी बहुत तरह की होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, सोशल इनइक्वालिटी होती है, कल्चरल इनइक्वालिटी होती है, लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी होती है, रिलीजियस इनइक्वालिटी होती है, हर तरह की इनइक्वालिटी होती है। लेकिन जब हमारा संविधान बनाया गया उस समय स्पष्ट रूप से आर्टिकल 14 में लिखा गया, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। लेकिन ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि हम इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। लेकिन इक्वालिटी के तरफ कदम बढ़ाने का एक तरीका दिया गया है और वो है आरक्षण। तो आर्टिकल 16 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये हम जो बात कर रहे हैं, हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आज तक हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है, और ये भी एक मांग पब्लिक डोमेन में हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। ये कानून के माध्यम से हो सकता है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें लिखा गया था, चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने वो चैलेंज रिजेक्ट किया। अब हम आते हैं जो डॉक्टर चव्हाण समझा रहे थे, उसके बारे में दो चार शब्द कहना चाहेंगे। द स्टेट शैल बी गिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पब्लिक ऑफिस अंडर द स्टेट। अब आगे बढ़ते हैं 16.2, नथिंग इन दिस आर्टिकल विल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन of appointments or posts
in favor of any backward classes of citizens, which, in the opinion of the state, are not adequately represented in the service of the state. ये अब 16.4 बार 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 पढ़िएगा, क्योंकि इस 16.4 में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दुनिया के किसी संविधान में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है. हाँ, कोई है, मैं जानती हूँ कि रुवांडा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन उनके पार्लियामेंट में भी दिया गया है. हालांकि अब तक हमारे पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन एक बहुत अनोखी चीज है. रिजर्वेशन ऑफ और अफर्मेटिव एक्शन में बहुत फर्क है. देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को एडवांस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और कभी कभी मैं ये भी आर्ग्यूमेंट सुनती हूँ कि क्यों अब रिजर्वेशन, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही लिखा है, किस लिए अब बार बार सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में बात करते हो, आप कभी और बातें क्यों नहीं करते हो. आप कह दो कि एससी एसटी के लिए फंडिंग ज्यादा होना चाहिए, बजट ज्यादा होना चाहिए, ट्रेनिंग ज्यादा होनी चाहिए, हॉस्टल्स ज्यादा होने चाहिए, प्लानिंग ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन को छोड़ दो और सब चीजें मांग लो. अब इस दुनिया में मिस्टर कृष्णन नहीं है, लेकिन एक जमाने में मिस्टर पीएस कृष्णन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया में, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट के हो चाहे वो बीजेपी में हो, और उनके योगदान से बहुत सारा बजट प्रोविजन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के तरफ से किया गया था, क्योंकि वो ये उनके पूरे जीवन का यही माध्यम था कि मैं आरक्षण को कैसे लागू करवाऊं सरकार को, और मैं एससी एसटी को लोगों को आगे कैसे बढ़ाऊं. अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं, लेकिन हम सिर्फ बैकवर्ड होने के कारण आरक्षण नहीं मांगते हैं, एक और भी कारण है जिसके होने से हम आरक्षण मांगते हैं, और वो है कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं. अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि इस देश में जितने भी तरह तरह के लोग हैं उन सबको एक हिस्सा होना चाहिए हमारे स्टेट पावर में. और तो सवाल ये आता है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप यहाँ 16.2 में देखेंगे लिखा गया है who in the opinion of the state are not adequately represented in the service of the state. ठीक है ना? अब representation का क्या मतलब है और क्यों representation? क्योंकि representation democracy के लिए जरूरी है. आप सोचिए, हम judiciary में भी मांग करते हैं कि आपने महिलाओं एससी एसटी को क्यों नहीं अपॉइंट किया. सुप्रीम कोर्ट में आज सिर्फ 2 महिलाएं रह गई हैं. सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी महिला का चीफ जस्टिस का पद नहीं पाया. सुप्रीम कोर्ट में आज के जमाने में कोई एसटी जज है ही नहीं. तो हम क्यों ये मांग करते हैं? सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं, लेकिन जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, पार्लियामेंट में, हर जगह हम आरक्षण मांगते हैं. क्यों? क्योंकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हर व्यक्ति का मूल अधिकार है एक डेमोक्रेसी में, तभी हम इस देश को डेमोक्रेसी कहा जाएगा, वरना डेमोक्रेसी नहीं किया कहा जाएगा. तो बार बार जब कोर्ट में ये सवाल आता है, लेकिन बैकवर्ड है कौन? और आप बताइए मुझे, लेकिन आप 1950 से अब तक आप जो भी केसेस देख ले, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कोशिश की है डिफाइन करने के कि ये बैकवर्ड क्लासेस का मतलब है क्या. अब ये शब्द बैकवर्ड कास्ट चुना गया था, यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि एससी को आरक्षण दो या एसटी को आरक्षण दो. लिखा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण दो, लेकिन आर्टिकल 340 और 342 में ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है एससी एंड एसटी को एक शेड्यूल में लाने का, और जिस कास्ट को शेड्यूल कास्ट में लाया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में,
उस व्यक्ति को ये रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन का मूलभूत अधिकार दिया गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और भी जगह में दिया गया है। तो आप ये दो बातें ध्यान में रख दो कि हम आरक्षण मांगते क्यों हैं। हम आरक्षण मांगते हैं क्योंकि आरक्षण मिलने के बाद ही हमें इक्वालिटी मिलेगी, वरना हमें इस देश में कोई इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि जो इनइक्वालिटी, कास्ट की इनइक्वालिटी थी, उस इनइक्वालिटी को रद्द करने के लिए आरक्षण लाया गया है। ये इसलिए नहीं लाया गया है कि हम आरक्षण हमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों से बहुत प्यार है इसलिए हम आरक्षण दे रहे हैं। नहीं, ये समता लाने के लिए दिया गया है। इसीलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हमारे दिमाग में हो, सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा वो ये है, समता का मतलब क्या है। और इस सवाल को मैंने पवित्र टू में उठाया था और ये बहुत खुशी की बात है कर्नाटक से कि उस समय जो जस्टिस ललित थे और जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने अपना ही जो पवित्र वन का जजमेंट था उसको पलट के नया जजमेंट दिया जिसमें लिखा कि हाँ, आरक्षण देने का मतलब है कि हम सब लोगों को इक्वालिटी की मांग, इक्वालिटी की फंडामेंटल राइट दी गई है संविधान में। आरक्षण का ये मतलब होता है कि हम सबको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए इन स्टेट पावर। ये मुझे लगता है इसके बारे में हम ज्यादा हमारे मीटिंग्स में सोचते नहीं है। हम सिर्फ वो एक शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन उस शब्द के पीछे मतलब क्या है हमें समझना जरूरी है। मैं कभी नहीं मानूंगी कि एक सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो जिसमें कोई एससी एसटी ना हो, जिसमें कोई महिला नहीं हो। मैं कहूंगी ये सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा फिर। और जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया में और कोई ऐसा संविधान नहीं है जिसमें ये रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक ऑफिस लिखा गया है। हाँ, अमेरिका में है, लेकिन वहां पे अफर्मेटिव एक्शन है और वहां पे हाँ या ना कहने का उनको अधिकार भी है। अब हम आते हैं इस सवाल पे कि एडिक्वेट का मतलब क्या है। जैसे जारुंडे साहब ने कहा कि नागराज में तीन चीजें कही गई। हाँ, आपको आरक्षण का अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए तीन शर्त है। पहले आप बताइए कि आप बैकवर्ड हो, दूसरा आप बताइए कि आप का रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, और तीसरा आप बताइए कि आपके आने से ये एस्टेब्लिशमेंट में एफिशिएंसी कम नहीं होगी। और ये तीनों सवाल प्रमोशन के बारे में रेज किए गए थे नागराज में, क्योंकि आपको पता है कि 85th अमेंडमेंट में लिखा गया था कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। सच बताऊं तो मैं, आज का जो झगड़ा है वो यही झगड़ा है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का। और आप देखेंगे कि जो पंजाब का केस है जो मैं आर्ग्यू कर रही हूँ इंजीनियर्स का, वहां पे यही लिखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में कि जब प्रमोशन आता है तब वो आप कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी मत दो, और अगर मैं जो अनरिजर्व कैटेगरी हूं आ गया प्रमोटेड कैटेगरी में तो मेरा सीनियोरिटी रिवर्स करके आपको मेरी एंट्री इनटू सर्विस की सीनियोरिटी आपको देनी चाहिए। तो इसका जवाब मैंने पवित्रा ने दिया। मैंने कहा कि सीनियोरिटी हमेशा डेट ऑफ एंट्री इनटू ग्रेड से मानी जाती है, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस से नहीं मानी जाती है। तो अगर एक एससी कैंडिडेट ग्रेड में 2009 में आया और आप आए 2015 में, तो आपको सीनियोरिटी कैसे मिल सकती है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो है ही जिसमें लिखा गया था कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी मिलेगी। तो ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा है कैचअप रूल और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के बीच। अब मैं थोड़ा वापस आऊंगी
ये सवाल के को डिस्कस करने के लिए कि बैकवर्ड क्लासेस का डेफिनेशन क्या है। अब जैसे मैंने आपको कहा, ये बैकवर्ड क्लासेस का डेफिनेशन 1950 से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं गया है, और इसलिए नागराज में एक 5-judge bench हेडेड बाय जस्टिस कपाड़िया ने कहा कि आपको तो अपनी बैकवर्डनेस दिखानी पड़ेगी। इसलिए बहुत मेहनत करके मैंने ये नागराज का फैसला रिफर करवाया लाजा बेंच के लिए, और ये जस्टिस भानुमती थी, जस्टिस कुरियन थे और एक और जज था, जिन्होंने मेरी सुनवाई सुनी। और मैंने कहा जब एक बार प्रेसिडेंट ने बैकवर्डनेस देख ली और शेड्यूल में डाल दिया, तो आप कोर्ट्स को क्या अधिकार है दोबारा हमें पूछना कि हम बैकवर्ड है या नहीं है। हाँ, अगर प्रेसिडेंट ने कोई कास्ट को निकाल दिया ऑर्डर से तो बात अलग है, फिर मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ या शेड्यूल ट्राइब हूँ। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट ने हमें वहां से नहीं निकाला, तो आपको कोई अधिकार नहीं है हमें ये पूछने के लिए कि हम बैकवर्ड है या नहीं है। उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे और उनका अपना जजमेंट है यूपी पावर इलेक्ट्रिसिटी का, और उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज दिया कोर्ट में, मैडम जी जब मेरा अपना जजमेंट है, मैंने यूपी पावर में लिखा है कि आपको बैकवर्डनेस प्रूव करनी पड़ेगी, आप कैसे मेरा मन चेंज कर सकती हो, आप कैसे मेरा दिमाग चेंज करोगी, क्योंकि मैंने तो अपना दिमाग बना दिया है, जजमेंट दे दिया है। तो मैंने भी उनको चैलेंज दिया, मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि यूपी इलेक्ट्रिसिटी का जजमेंट, मैंने उसको कहा डोमिनो इफेक्ट, पहले अब नागराज में बोल दोगे ये करो, उसके बाद सूरजबान में बोलोगे नागराज अप्लाइज, उसके बाद अब यूपी में बोलोगे कि सूरजबान अप्लाइज, है तो एक ही मुद्दा। तो मैं 10 judgments को तो वापस लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक ही जजमेंट को वापस लेने के लिए कह रही हूँ। और ये मामला बोलना, आपको पता है कि जनलाल ने, जस्टिस मिश्रा ने अपना ही जजमेंट वापस ले लिया। तब तक नागराज के बाद और जनलाल के पहले जितने भी रिजर्वेशन हुए हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो एमपी में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, हर रिजर्वेशन को रद्द किया गया, इसलिए कि आपने दिखाया नहीं कि आप बैकवर्ड हो। हर एवरी सिंगल केस ऑफ एवरी सिंगल स्टेट वाज थ्रोन आउट ऑन द ग्राउंड दैट यू हैव नॉट शोन बैकवर्डनेस, जब तक ना ये जनियाल का जजमेंट आया। लेकिन हाँ, मैं मानती हूं कि जनियाल का जजमेंट उनको 5 judges को नहीं देना चाहिए, ये 7 judges कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि नागराज भी 5 judgments का था और नागराज को इंटरप्रेट करना उनके उनका कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इतने सालों के बाद आप मेरे बाल देखो सफेद हो गए, चौहान साहब के भी बाल भी सफेद ही तो है, लेकिन इतने साल के बाद हम जब कोर्ट में बहस करते हैं तो हमें कोर्ट की भी ट्रिक्स पता होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें रिजर्व कैटेगरी के ट्रिक्स भी पता चल जाते हैं। और मेरा मानना है कि रिजर्व कैटेगरी का जब तक वो आरक्षण खत्म नहीं कर पाएंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं, ये मामला आपके और मेरे लाइफ टाइम में खत्म ही नहीं होने वाला है, ये लड़ाई चलती जाएगी। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बोल रही हूँ, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि समता का मतलब क्या होता है, समता क्या चीज है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इन लोगों की बैकवर्डनेस कास्ट और ट्राइब पे टिकी हुई है, कोई इस देश में कह सकता है कि हमारी कास्ट सिस्टम खत्म हो गई है? हाँ या ना? नहीं खत्म हुई है। और जब तक कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होती तब तक हम नहीं कह सकते कि समता की जो 14 में गारंटी है वो मिल गई। जर्नलिस्ट आपको याद होगा, पता नहीं वो कोर्ट में थे या नहीं थे, जब मैंने जर्नियाल का केस आर्ग्यू किया, मैंने मुंह पे कोर्ट को बोल दिया, जज साहब आप मुझे कह रहे हो कि एक क्रीमी लेयर है, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दो
कि जब इस देश के प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप पूरी टेंपल में नहीं आ सकते क्योंकि आप एक शेड्यूल कास्ट हो, तब तक आप कह सकते हो कि कास्ट सिस्टम इस देश में खत्म हो गई है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? उस समय बहुत सारी आरटीआई फाइल करी गई थी और प्रेसिडेंट साहब से भी पूछा गया था क्या यह सच्ची बात है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए। लेकिन दुनिया जानती है कि उनको पूरी टेंपल में आने नहीं दिया क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के थे। तो ये एक एक मुद्दा लेके हमें आगे बढ़ना है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये खत्म नहीं हुई है, और जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक आप हमें नहीं कह सकते कि आरक्षण बंद होना चाहिए। और ये जो कास्ट सिस्टम है जो आप जिसको क्रीमी लेयर कह रहे हो उसको भी लागू है। मैंने खुद केसेस आर्ग्यू किए हैं जहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अगर वो शेड्यूल कास्ट के हैं उनको भी गालियां दी जाती है, और अगर उनका एक क्लर्क ब्राह्मण हो तो वो उनके मुंह पे भी गाली दे सकता है। तो आप कह सकते हो कि एक आप क्रीमी लेयर है तो आप आगे बढ़ के चले गए। तो हमें ये दो कानून जोड़ने चाहिए, हमें ये बताना चाहिए कि देखो अट्रोसिटीज का जो कानून है वो तो क्रीमी लेयर पे लागू नहीं है ना, वो तो हर एससी एसटी के लिए है। क्यों? क्योंकि ये कानून से हमें ये पता चलता है कि एससी एसटी लोगों पे अट्रोसिटीज लागू है। जब वो महाजन का केस चल रहा था जस्टिस ललित के कोर्ट में, उस समय हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ने आए थे और उन्होंने भी ये कहा था महाजन का जजमेंट आप रद्द करो। उन्होंने ये बताया कि महाजन के जजमेंट के बाद और उनके आर्ग्यूमेंट के बीच में एक लंबी चौड़ी लिस्ट ले आए दिखाने के लिए कि कितनी अट्रोसिटीज हुई है। एक दूल्हा जो एक घोड़े पे जा रहा था उसको मार के नीचे हटा के फेंक दिया गया। उन्होंने कहा देखो इस तरह की अट्रोसिटीज चल रही हैं, और आगे चल के आपको पता है पहले तो सरकार ने वो कानून अमेंड किया, उसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा ने वो कानून का वो जजमेंट को रद्द कर दिया। लेकिन हम वापस आते हैं आर्टिकल 16 पे, तो ये है सवाल कि बैकवर्ड हम किसको कहेंगे। और ये सवाल आया था इंदिरा सोनी मंडल केस में जहां पे सभी जजेस ने बताया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी आरक्षण देना जरूरी है, और वो जो मंडल कमीशन का 1997 का जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन था उसको अपहोल्ड किया और कहा कि बैकवर्डनेस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है कास्ट, चाहे वो ओबीसी हो जिनको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, चाहे वो एससी हो चाहे वो एसटी हो। और ये समझने की जरूरत है कि बैकवर्ड कास्ट होने के कारण हम सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, ये नहीं कि हम सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं इसलिए हम एससी एसटी हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण का सवाल है। लेकिन हम ये भी थोड़ा सा मैं एडिक्वेट के बारे में बोल दूं क्योंकि समय कम है और आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए संविधान में नहीं लिखा गया है कि एडिक्वेट का मतलब क्या है। अब मेरा आर्ग्यूमेंट रहा है कि एडिक्वेट का मतलब होता है जितने प्रतिशत में हमारी संख्या सेंसस में है उतने प्रतिशत का आरक्षण हमें मिलना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो एससी एसटी का 15% आरक्षण लिखा हुआ है हमारे जीओज में, और एसटी के लिए 7% लिखा हुआ है क्योंकि उनकी संख्या आम जनता में पॉपुलेशन में इतनी है। और कोई ऐसे स्टेट्स हैं जहां ट्राइब्स ज्यादा है वहां 7% से ज्यादा भी उनको आरक्षण दिया गया है, और महाराष्ट्र में वैमुक्त जाति को भी आरक्षण दिया गया था एज अ सब कैटेगरी, और उसकी भी चुनौती दी गई है महाराष्ट्र में रिजर्व कैटेगरीज के तरफ से। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। और बाय द वे इन पासिंग जस्टिस नरिमन ने जनरल के आर्ग्यूमेंट में कहा नहीं 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 मिस जयसिंह ये नहीं हो सकता, आप नहीं कह सकते कि जितना परसेंटेज पॉपुलेशन में आपका है उतना ही हमें मिलना चाहिए।
क्योंकि उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी, ज्यादा का तो सवाल ही मत करो, वो बात ही मत निकालो, लेकिन उससे कम हो सकता है। लेकिन क्यों कम हो सकता है, इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पे हम वापस वही सवाल उठाएंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कितना रिप्रेजेंटेशन? जितना हमारी संख्या पॉपुलेशन में है। इससे जुड़ा हुआ तीसरा सवाल जो जारुंदेश साहब ने उठाया कि आर्टिकल 335 में लिखा गया है, concessions can be made consistently with the efficiency of the administration. अब ये सवाल भी पवित्र में उठाया गया है। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि बार 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 यही सवाल उठाया जाता है, merit, 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 merit. और ये कहा जाता है कि आप एससी एसटी के लोगों को reduced percentage का clearance देते हो, इसीलिए वो मेरिटोरियस नहीं है, इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डाउन हो जाती है। लेकिन पवित्र में तो हमने डेमोंस्ट्रेट किया कि जो सीनियर लेवल्स ऑफ प्रमोशन है, वहां पे एंट्री लेवल टेस्ट के मार्क्स सेम होते हैं, डीपीसी सेम होती है, डीपीसी में पास होने के बाद ही आपको प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट मिल सकता है, मेरिट कम सीनियोरिटी, उसके पहले आपको मिल ही नहीं सकता है। तो आप कौन होते हो हमें बताने के लिए कि हम लोगों का मेरिट नहीं है, और उसके बाद कहते हो कि इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब मैं डायरेक्टली जारुंदेश साहब का सवाल का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने पीछे कहा है कि हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। जर्नियाल के पहले तो मैं सबको कहती थी कि बस अपनी तैयारी, प्लीज अपने बैकवर्डनेस की इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट दे दो, उसके बाद वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चैलेंज होता है हमें दिखाना पड़ेगा कि ये रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है। और यहाँ पे आपने पूछा कि स्टेट का क्या रोल रहेगा, ये स्टेट का रोल है, क्योंकि जितना भी डेटा है स्टेट के हाथ में है, और स्टेट को ये सब चार्ट्स प्रिपेयर करके बताने पड़ेंगे कि हमारे जो प्रमोशनल पोस्ट है वहां पे रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट उनके तरफ से आना चाहिए कि एडिक्वेसी का मतलब है जो परसेंटेज हमने फिक्स किया है उसी परसेंटेज तक होना चाहिए, और हमने ये परसेंटेज सोच समझ के फिक्स किया है, जितनी इनकी संख्या है आम जनता में उतना हमने परसेंटेज फिक्स किया है। अगर हम ये केस जीतना चाहते हैं तो हमें हर स्टेट का योगदान लेना पड़ेगा इन मामले में। हमारी स्टडीज तैयार रहनी चाहिए एडिक्वेसी के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में। और मैं इतना जानती हूँ कि इस देश में 2-3 स्टडीज अवेलेबल हैं जहाँ पे दिखाया गया है कि जब आप एससी एसटी को लोगों को प्रमोट करते हो या एडमिनिस्ट्रेशन में डालते हो, वो एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब बाहर के लोग एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, गैस डिपार्टमेंट, पानी का डिपार्टमेंट, आपको हमेशा लोग जो आएंगे आपसे मिलने को, हर तरह के लोग आएंगे, वो एससी के लोग, एसटी के लोग, वो एससी एसटी के लोगों से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और आपके डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज भी हमको करके दिखानी पड़ेगी, और ये कर्नाटक के केस में हमने दोनों स्टडीज दिखाई थी। स्टेट के तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिला था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो अब तक हमने एड्रेस नहीं किया है वो ये है कि क्या ये हर कार्डा में हमें दिखाना पड़ेगा कि ये काफी है, बट और काफी है कि हम पूरे सर्विस में दिखा दें। अब इस सवाल में का भी जवाब पवित्र 2 में लिखा गया है, और वो है कि हम सैंपल सर्विस भी कर सकते हैं, क्योंकि रैंडमाइज सैंपल सर्विस एक सर्वे करने का तरीका होता है। तो मैं ये भी गुजारिश करूंगी, अगर मुझे प्रेपरेशन करना है इस केस के लिए, और आज तक तो मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ,
बिहार को रिप्रेजेंट करती हूँ, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हूँ, पंजाब को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, रिजर्व कैटेगरीज। तो मुझे ये सहायता की जरूरत है कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स में स्टेटिस्टिशियंस हैं उनके साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कि आप बताइए कि स्टेटिस्टिकल मेथड क्या है ये इवेल्युएट करने का कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। हो सकता है कि एक कार्डर में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो दूसरे में कम है, तो आप दोनों ले लोगे या एक ही लोगे। तो रिजर्व कैटेगरी का आर्ग्यूमेंट हमेशा रहा है कि पूरा कार्डर में होना चाहिए, नहीं वो एक एक अलग अलग कार्डर में होना चाहिए और हमारा जब पूरे सर्विस में होना चाहिए। तो मैं मेरे तरफ से जो मुझे जो कहा गया था कि आप हमें बता दें कि जो अभी तैयारी का समय है हम किस बात के बारे में तैयारी करें, तो हमारे सामने अब मैं दो चार शब्द कहना चाहूंगी जो चौहान साहब ने रखे आपके सामने। उनका कहना है कि ये सब मामले लार्जर बेंच की तरफ जाने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये झगड़ा टंटा के आरक्षण फंडामेंटल राइट है या एनेबलिंग प्रोविजन है, क्या चीज है, क्योंकि लिखा कहा गया है नथिंग शैल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन, लेकिन उसके पहले क्या लिखा गया है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजंस। तो पहला हमारा फंडामेंटल राइट है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें गारंटी की जानी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इन सब मामलों के बारे में हमें बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा और उसके बाद हम आएंगे 16(2) पर कि जब यहाँ लिखा गया है शैल नॉट प्रिवेंट, इसका ये इसीलिए लिखा गया है कि हमारे कोर्ट्स आरक्षण को रद्द ना करें, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा विश्व में पहली बार रिजर्वेशंस किए जा रहे थे इसमें संविधान में किसी के लिए भी, बाकी देशों में लिखा गया है अफर्मेटिव एक्शन, लेकिन कोटा एक ऐसी चीज है जो अफर्मेटिव एक्शन से अलग है। कोटा का मतलब है कोटा, कोटा का मतलब है ये दोनों सेपरेट क्यूज रहेंगे, मैं इस क्यू में हूं तो मैं अपने क्यू में आगे बढ़ूंगी और मैं उस क्यू में हूं तो मैं उस क्यू में आगे बढ़ेंगी, मैं क्यू कट नहीं कर सकती हूँ। अफर्मेटिव एक्शन में क्यू कटिंग हो सकती है, यह भी बताया गया है मंडल के जजमेंट में। अब ये झगड़ा टंटा जो आपको जवान साहब ने बताया कि ये झगड़ा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, ये 1961 से चल रहा था। जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन हो सकते हैं, आपको ये पता ही होगा कि आरक्षण तो इंडिपेंडेंस के पहले भी थे, बड़ौदा स्टेट में कॉलोनियल सरकार ने भी ये प्रिंसली स्टेट्स ने रिजर्वेशन किए थे, उनका भी चैलेंज हुआ था और वो चैलेंज अपहोल्ड हुआ था 1961 में। उसके बाद ये झगड़ा टंटा चलता आ रहा है, 1970 में भी पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन अपहोल्ड किए गए थे, लेकिन फिर भी आज तक ये सवाल चलता, ये क्यों, ये इसलिए कि ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये एक हमारे समाज में भी लड़ाई है। ये देखिए, ये तो हम जानते हैं कि एक एक जॉब अगर रिजर्व हो गया तो उतने जॉब्स अनरिजर्व कैटेगरीज को कम मिलने वाले हैं, तो उनके उनका ये कहना है कि उनके मन में ये एक चिंता रहेगी कि हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो समाज में दो तरह के लोग हैं, रिजर्व अनरिजर्व, उन दोनों के बीच में ये चर्चा चल रही है, वो कहते हैं हमें इक्वालिटी चाहिए, ये कहते हैं हमें इक्वालिटी चाहिए, और ये सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देने की कोशिश की और 1975 में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस में कह दिया
केस 16-4 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू 16-1। ये है मुद्दा कि क्या जब आप हमको आरक्षण दे रहे हो, हमें आप एक फेवर कर रहे हो, हम कह रहे हो कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। यहाँ पे हम कहते हैं कोर्ट में ये इक्वालिटी का एक्सेप्शन नहीं है, ये ही इक्वालिटी का मतलब है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों ने वो पवित्र टू का जजमेंट जरूर पढ़िए। उसके बाद इंदिरा सोनी का जजमेंट आया, मंडल का जजमेंट आया, आप सब जानते हो उस जजमेंट में क्या लिखा गया है। लेकिन वहां पे जो दो बातें कह गई, कह दी थी, बाय द वे क्रीमी लेयर भी, ये भी एक सवाल बहुत सालों से चल रहा है। 1950 से 1970 से ये कहा गया था कि आप क्रीमी लेयर वाले लोग तो बहुत आगे बढ़ गए हो, आप अभी रिजर्वेशन छोड़ दो और दूसरे लोगों को अंदर आने दो इस कोटा में। ये एक कौन ये सवाल उठाता है, ये पहले ये सवाल पूछिए। ये सवाल उठाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी वाले। अब मेरा सवाल उनसे ये है कि आपका क्या मतलब है ये सवाल पूछने से? आपका तो कोई मतलब ही नहीं होता। अगर ये डिमांड होनी चाहिए तो एससी एसटी के तरफ से होनी चाहिए, उन एससी एसटी में जो पिछड़े लोग हैं उनकी ये डिमांड होनी चाहिए, उनके तरफ से तो कोई डिमांड आई नहीं है। तो आप कौन होते हो ये सवाल पूछने वाले? दूसरा, कुछ इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको ये कहने में बहुत मजा आता है कि मैं तो ना रिजर्व कैटेगरी के लिए हूँ ना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हूँ, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, और एक नागरिक होने के नाते से मैं ये सवाल उठाता हूँ, ये तो एक पॉलिटिकल सवाल है। अब ये एक गोपाल शंकर नारायण है जो ये कहते रहते हैं और हर केस में इंटरवीन करते हैं। ये इंटरवेंशन का भी एक बहुत बड़ा रोग हो गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। राजीव धवन है, हमेशा रिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन जब उठते हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए सबसे पहले कहते हैं माय लॉर्ड आई वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट अपोज्ड टू रिजर्वेशन। तो ये भी इनकी जो ट्रिक्स है हमें समझनी पड़ेगी और इनके साथ भी हमको कुछ समझौता करना पड़ेगा। और मैं तो, आप इस वेबिनार में कितने लोग हैं, आपके तरफ से भी कोई जवाब आने चाहिए कि हम इस सब ट्रिकरी से कैसे डील करें। फिर ये दोबारा सबसे जो लेटेस्ट जजमेंट था पवित्र टू का, उसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्सेप्शन नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन इस फंडामेंटल राइट को कैसे डिफीट किया जाए, अब कह दो एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखो, अब कह दो कि आपने डेटा नहीं दिया, अब कह दो कि एफिशिएंसी नीचे चली गई। सबसे पहले जब मैंने ये मेरिट का सवाल सुना था, मैंने एने पालकी वाले को सुना था, इंदिरा सोनी मंडल केस में जब वो आए थे आर्ग्यू करने के लिए, सबसे पहले मेरिट का सवाल उन्होंने ये बताया था। लेकिन उसका भी जवाब जस्टिस चन्नप्पा रेड्डी ने अपने जजमेंट में लिखा है। और यहाँ मैं थोड़ा क्रीमी लेयर के बारे में एक और बात आपको बता दूंगी। चन्नप्पा रेड्डी जस्टिस ने पूछा है, देखिए आप क्रीमी लेयर एससी एसटी के बारे में कहते जा रहे हो, लेकिन ये बताओ आपके अनरिजर्व कैटेगरी में भी तो क्रीमी, आपके अनरिजर्व कैटेगरी में भी तो क्रीमी लेयर है। जब आप मेरिट कहते हो तो कौन अंदर जाएगा? क्रीमी लेयर नहीं तो अंदर जाएगा ना। तो फिर ये क्रीमी लेयर का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वहां से निकालना चाहिए तो यहां से भी निकाल दो। तो ये आर्ग्यूमेंट भी हमें थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा और इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें एक बात कहूंगी कि जो पवित्र टू का जजमेंट है, मैं आपको बताऊं एक प्रेस की भी कॉन्स्पिरेसी है। कितने आरक्षण के बारे में कितना लिखा जाता है, लेकिन पवित्र टू के बारे में कोई लिखता नहीं है। इसको पॉपुलर न्यूज़पेपर्स में कभी किसी ने पॉपुलराइज किया ही नहीं। हाँ, एससी एसटी के लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन और लोगों को नहीं पता होगा। अब मैं
मेरा भी समय खत्म होने वाला है, तो मैं दूसरे दो चार सवाल आपके सामने रखने वाली हूँ और मैं आपको उसके उसके बाद अपना भाषण पूरा करूंगी, क्योंकि मैं मेरा सुझाव होगा कि अब ये लॉकडाउन थोड़ा लिफ्ट होता जा रहा है, मैं चाहूंगी कि एक फिजिकल मीटिंग हो। अब तो मैं बॉम्बे में हूँ मैं, लेकिन जाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी, लेकिन एक फिजिकल मीटिंग होनी चाहिए। 500 लोगों की तो नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम 10-20 लोगों की मीटिंग होनी चाहिए यहाँ, जहाँ हम ये सब सवाल उठा सकते हैं और जहाँ हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, एक दिन आएगा जब ये सवाल लाजा बेंचेस के सामने रखना ही पड़ेगा। देखिए, मैं शबरीमला केस में भी आर्ग्यू कर रही थी कि महिलाओं को टेंपल में एंट्री करने की अधिकार मिलना चाहिए, और आई सक्सीडेड, लेकिन वो जजमेंट दोबारा उन्होंने 9 जजेस के सामने रिफर कर दिया, 5 जजेस का। तो मैं भी मानती हूँ कि एक ने एक दिन ये सवाल 9 जजेस के सामने जाएगा, 9 क्या, 9 छोड़ो, 11 के सामने जाएगा। जब हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट का सवाल आता है, तब वो हमारे कोर्ट 11 जजेस के सामने रखने को तैयार है। आपको याद होगा या ना होगा, TMFI जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सवाल था, जहां पे उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एजुकेशन में बिजनेस करने का अधिकार है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, वो 11 जजेस के सामने चला गया। तो हाँ, आज नहीं तो कल ये मांग करनी ही पड़ेगी कि हर सवाल, बैकवर्ड कौन है, क्यों, कौन नहीं है, इक्वालिटी क्या है, क्या नहीं है, आरक्षण क्यों, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग हैं, एडिक्वेसी का क्या मतलब है, और सबरवाल में पोस्ट का बेस्ड रिजर्वेशन का तो कहा गया है, और वहां पे पंजाब में मैंने आर्ग्यू किया, जब तक पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन करते हो तब तक वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि रोस्टर पॉइंट्स जब फिक्स हो गए उसके बाद आप उसकी परसेंटेज के ऊपर जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो परसेंटेज रोस्टर पॉइंट के हिसाब से फिक्स किया गया है। अब मैं ये आरक्षण का मामला छोड़ के 2-4 बातें और कहना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी बहुत चुनौतियां हैं आरक्षण के बारे में। एक है द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे ये सवाल आएगा कि आरक्षण सिर्फ SC ST और OBC के लिए है या इकोनॉमिकली वीकर के लिए, ये वहां पे भी हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरा, अब आपने अभी 2 दिन भी नहीं हुए, मराठास को जो रिजर्वेशन दिया था आपके महाराष्ट्र के में से जो लागू है, उसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में रिफर किया गया है। और मैंने पढ़ा कि महाराष्ट्र सरकार एक्सपर्ट से कंसल्ट कर रही है, मैं भी उसमें शामिल होना चाहूंगी, क्योंकि वो भी एक मामला है जो आपके केस में उसका असर पड़ सकता है। तीसरा, जो समता आंदोलन ने फाइल किया है, उनका कहना है कि रिजर्वेशन हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि ये रिजर्वेशन कभी ना कभी तो बंद होगा। चौथा एक मामला है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सरकार को आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप रिजर्वेशन करो, ये गलत है। ये जजमेंट दीपक मिश्रा साहब ने दिया था, ये गलत है। मैं पूछूंगी सवाल, क्यों, किस लिए आदेश नहीं दे सकते हो? और यही चारुंडे साहब का सवाल था, चारुंडे साहब ने पूछा कि हम महाराष्ट्र को कैसे कहें कि रिजर्वेशन दो, तो ये जो दीपक मिश्रा का जजमेंट है उसको हमें रद्द करना पड़ेगा। दूसरा, जो एक मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक और भी जजमेंट है, जहां जो लोग SC ST नहीं है उन लोगों ने अपना एक बोगस सर्टिफिकेट लेके ये सब पोस्ट ऑक्यूपाई किए हैं, उनको हटा देना चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपका सोच विचार जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप वो सवाल उठाना चाहते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी बता सकते हो। देखो, हमें भी इस बात की चिंता है कि जो
हमारे एससी एसटी में जो पीछे पिछले लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी तरीके हैं उनको भी आगे लाने के लिए। वहां पे आपके इंस्टीट्यूशंस में एक और भी चर्चा चल रही है जिसको हम पेबैक कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ गए तो आप सोसाइटी को पेबैक कैसे करोगे, उसके बारे में भी मुझे कुछ चर्चा करनी चाहिए। और लास्ट जो हमारे सामने मुद्दा आने वाला है वो ये है कि सब कैटेगरीज जो इन्होंने बनाए हैं उससे हम सहमत हैं या नहीं है। अब मैं तो इससे सहमत हूँ क्योंकि इसके होने से बहुत सारी, लेकिन सब कैटेगरीज एससी और एसटी के अंदर ही, उसके बाहर नहीं। लेकिन पॉलिटिकली लोगों का कहना है कि ये एक तरीका है कि दलित वर्ग को डिवाइड करने का, ये अलग से एक पॉलिटिकल डिबेट हमारे लोगों में होना चाहिए। और मैं इतना ही कह के अपना अपने विचार आपके सामने खत्म करने वाली हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि आगे चल के मैं आपके विचार इन विषयों के बारे में समझना चाहूंगी। धन्यवाद।